जनपद में सैकड़ों साल पुरानी चुंगी नंबर 2 नामक पुरानी इमारत बारिश के चलते भरभरा कर गिर गई। इमारत की चपेट में आने से सड़क किनारे चाउमीन खा रहे 3 बच्चे सहित चाउमीन विक्रेता घायल हो गया। पूरा मामला जनपद में मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र चुंगी नंबर 2 का है, जहां पर मौजूद चुंगी नंबर 2 के नाम से मशहूर सैकड़ों वर्षों पुरानी एक इमारत जनपद में लगातार हो रही बारिश के कारण अचानक भरभरा कर गिर गई। इमारत गिरते ही सड़क किनारे चाउमीन खा रहे 3 बच्चे और चाउमीन विक्रेता इमारत के नीचे दबने से घायल हो गए। आपको बता दें, अचानक इमारत के गिरते ही अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में मौके पर मौजूद स्थानीय निवासियों एवं राहगीरों द्वारा इमारत के मलबे में दबे बच्चों एवं चाउमीन विक्रेता को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी विक्रांत खटीक ने बताया कि नगर पालिका की चुंगी नंबर 2 बहुत ही जर्जर हालात में थी। इसके संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल को अवगत भी कराया था, लेकिन उन्होंने कोई सक्रियता नहीं बरती। चुंगी नंबर 2 इमारत के नीचे एक व्यक्ति फास्ट फूड का ठेला लगाता है, जिस पर 3 बच्चे भी चाउमीन खा रहे थे। अचानक चुंगी नंबर 2 की इमारत गिरने से चाउमीन विक्रेता और 3 बच्चे उसके नीचे दब गए, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने सभी बच्चों और युवक को बाहर निकाला और उपचार हेतु भेजा। उन्होंने बताया कि चाउमीन विक्रेता बहुत गरीब परिवार से है और उसकी बहुत ही हालत गंभीर बनी है। वहीं 3 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। विक्रांत खटीक ने नगर पालिका अध्यक्ष संजय अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं चुंगी इमारत गिरने का जिम्मेदार नगर पालिका को मानता हूं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष को कई बार अवगत कराया गया था, लेकिन उनकी ओर से जर्जर हो चुकी चुंगी की इमारत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज ये हादसा हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे SDM सदर परमानंद झा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये नगर पालिका की इमारत है चुंगी नंबर 2। यहाँ से पहले टैक्स वसूला जाता था और इस पर ताला लगा हुआ था। इसके नीचे रेड़ा पटरी वाले अपना रोजगार करते थे। आज बहुत बारिश हुई है, जिसके कारण ये भरभरा कर गिर गई। इसमें 3 बच्चे घायल हुए हैं, जिनका हमने प्राथमिक उपचार कराया। बड़ा संयोग है कि कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। JCB मंगवा रही है, जो मलबा है उसको हटवा कर नगर पालिका को हैंड ओवर करना है, क्योंकि उसी की ये भूमि है। ये नगर पालिका की बिल्डिंग है, चुंगी नंबर 2 इलाका कहलाता है। यहाँ पहले चुंगी हुआ करती थी, जो टैक्स वसूलते थे। ये नगर पालिका की जर्जर भवन है, जो ताला लगा हुआ था, जिसके नीचे ठेली वाले लगकर अपना रोजगार करते थे। ये आज सुबह बहुत बारिश हुई है, अभी लगभग 4:30 बजे ये भरभरा कर गिर गया। इससे 3 बच्चे घायल हुए हैं, तीनों को हम लोगों ने प्राथमिक उपचार कराया। ये बड़ा संयोग है कि किसी को कुछ हुआ नहीं, सभी लोग सुरक्षित हैं। इस पर नज़र रखी जा रही है। जो पुराने भवन हैं, वो हो सकते हैं कि इसको अत्यधिक बारिश के कारण गिर जाएं। तो आपके माध्यम से मैं सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे पुराने भवन यदि हों तो इसकी सूचना तत्काल दें, ताकि हम उसको समय रहते उसकी दुरुस्तीकरण की कार्रवाई कर सकें। अब पहले क्या हुआ ये तो नहीं, ये घटना घटी है, अभी तत्काल मैं JCB मंगवा रहा हूँ और इसको जो मलबा है इसको साफ करवा करके नगर पालिका को ही हैंड ओवर करना है, चूँकि भूमि उसी की है। विक्रांत खटीक, विक्रांत जी क्या घटना हुई बताइए। ये नगर पालिका चुंगी है और ये बहुत जर्जर हालत में थी, और इसके लिए चेयरमैन साहिबा को अंजू अग्रवाल को अवगत भी करा दिया था, लेकिन इन्होंने उसमें कोई सक्रियता नहीं बरती है। आज क्या हुआ, आज चुंगी नंबर 2 पर ये फास्ट फूड वाला इसके नियर बाई ठेला लगाता है, तो यहाँ पर 3 बच्चे फास्ट फूड खा रहे थे, तो ये चुंगी नंबर 2 की दीवार गिरने से चाउमीन वाला और 3 बच्चे बुरी हालत में इसके नीचे दब गए। उनको कुछ मैंने और कुछ और समाज के लोग थे, उन लोगों ने उठाया, जो बच्चा नीचे दब गया था उसको निकालने का पूरा काम करा और निकाल को उन्हें सुरक्षित जगह पहुँचाया गया। और इसमें उसका जो बेचारा ये चाउमीन फास्ट फूड वाला था, ये बहुत गरीब परिवार से है और इसकी स्थिति नाजुक है। कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें 3 बच्चे, टोटल 4 लोग घायल हुए हैं और इनमें 3 बच्चों के बहुत घातक चोट आई है, और इसके जिम्मेदार मैं नगर पालिका को मानता हूँ। नगर पालिका की बिल्डिंग है? ये नगर पालिका की बिल्डिंग है। इनको चेयरमैन साहब को बार बार अवगत कराने के बाद भी उन्होंने कोई सक्रियता नहीं दिखाई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।